काफी बढ़िया ब्रिज हिल रहा है, स्विंग हो रहा है, हैंगिंग ब्रिज, मतलब टू गुड। हे गाइस, बहुत मजा आ रहा है इधर पे, आप देख सकते हैं। हे गाइस, आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे राइनो। हे गाइस, वेलकम टू ट्रांसफॉर्मर लाइफस्टाइल, इसमें अभिषेक। आज कोई वर्कआउट वीडियोस नहीं होने वाला है, आज होने वाला है सिर्फ ब्लॉगिंग वीडियो। जी हाँ, मेरा गाड़ी तैयार है, भाई का बाइक भी तैयार है और मेरा साथी, सब लोग तैयार है। हम लोग अभी है राजा पारा के, कौन सा होटल है, हिमालयन में। तो आज हम लोग जाने वाले हैं, कहाँ जाने वाले, कहाँ है, हाँ, पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फुल वीडियो आने वाला है, आप लोगों को बस स्टे ट्यून करना है, कुछ नहीं करना, ठीक है। तो भाई मिलता है कुछ खाने के बाद में। तो गाइस, ब्रेकफास्ट करने के लिए आ चुका हूँ, रोटी तड़का आप देख सकते हैं। माय गॉड, इससे बढ़िया मॉर्निंग रूटीन और क्या हो सकता है, सुबह सुबह रोटी तड़का और लॉन्ग राइड। मिलते हैं मेरे पीछे, पेड़ के अलावा कुछ है ही नहीं, आई मीन रास्ता है, गाड़ी भी है, बस नेचर नेचर एंड नेक्स्ट टॉपिक के बाद बताता हूँ और क्या है। अभी जा रहे हैं, थोड़ा धीरे जा रहे हैं क्योंकि यू नो फोगी वेदर है, ज़्यादा रिक्स नहीं लेना चाहिए। ऑलवेज सीट बेल्ट ऑन, ठीक है, गाड़ी चलाने के टाइम में सीट बेल्ट हमेशा आपको लगाना चाहिए, क्योंकि सफ़र सुहाना और सेफ दोनों रहना चाहिए। वैसे सेफ तो करीना की होगी, हाँ सही बात, पर अपना भाई लोग भी है आगे जा रहे हैं, अपना हीरू लोग। वेदर देखिए, अब क्या बढ़िया वेदर है, इस मौसम में घूमने का मजा ही कुछ और होता है। गर्मी दिन में भी अच्छा लगता है, लेकिन वैसा जगह भी होना चाहिए, बट ठंडे टाइम में यू नो हर जगह ही अच्छा लगता है, ठंडा होता है, सुहाना होता है, और क्या चाहिए, बस बढ़िया से अपना दोस्तों को साथ लीजिए और चल पड़िए। देख सकते हैं अपना भाई भी सो गया है, उसको बिल्कुल भी पता नहीं, घोड़े बेच के सो गया, जब देख सकते हैं वो नहीं सोया भाई। इस बार सच में सो गया, इस बार घोड़े नहीं, इस बार और भी कुछ बेच के सो गया। बोरिंग ट्रैफिक जाम सबसे बकवास वाला चीज़ होता है एक जर्नी में, वो है ट्रैफिक जाम। एंड आई स्टक विद यू ट्रैफिक जाम। और ये बस देखिए काफी ज्यादा ही भरा है। Hey guys, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं डिपोरबिल, या ठीक मेरे पीछे डिपोरबिल, इधर देख सकते हैं अपना गाड़ी है, बाइक पीछे है, और फिर इधर में और ब्यूटीफुल सड़क। मैं क्या बोल रहा हूँ कुछ भी नहीं पता, पर होपफुली आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ऑसम, नथिंग कैन बी बेटर देन दिस, है कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, ओके, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। कर्व है तो आपको धीरे चलाना है, ज़्यादा स्पीड नहीं जाना है, रात के टाइम तो आप काफ़ी ज़्यादा ही स्लो करना पड़ेगा। तो अभी सीधा चलेंगे रिजॉर्ट की ओर और मिलते हैं डायरेक्ट वहाँ पे आप सबको। Hey guys, तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, पीछे देख सकते हैं पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये है हम लोग का
माईबोंग इको रिजॉर्ट। एक्चुअली ये रिसेप्शन है, पर रिसेप्शन काफ़ी बढ़िया है ना, आप देख सकते हैं, लाइक इट्स ऑसम धासुए। चलिए देखते हैं अंदर क्या क्या है और मैं इसको फ्लिप कर देता हूँ। ये अंदर का गेट है, तो इससे हम लोग शुरू करते हैं। ओके, क्या प्लीजेंट एम्बियंस है, आप देख सकते हैं। ओह माय गॉड, माय गॉड, देखिए वाओ, वीआईपी सीट लगा के रखा है ये लोग। वाओ, जस्ट ऑसम, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। You, your friend and nature, best combination ever. चलिए अंदर देखते हैं अपन लोग का रिजॉर्ट चेक करते हैं, अपना कॉटेज देखते हैं। कॉटेज कैसा है, अपना भाई भी है इधर पे। सो हम लोग के पास दो कॉटेज था, एक थोड़ा छोटा होगा क्योंकि उधर दो रहने वाला है और मैं रहने वाला हूँ तीन वाला में, तो वो थोड़ा बड़ा होगा, तो चेक करते हैं बड़ा वाला कैसा है। अच्छा ही होगा। और देखिए इसको बोलते हैं बच्चे लोग, कहाँ कहाँ गए, देखिए आप देख सकते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चे दिल के अच्छे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे, बहुत क्यूट क्यूट बच्चे हैं। तो शुरू करते हैं स्टेज से, काफी बड़ा, यहाँ से व्यूज देख सकते हैं। वाह, क्या बढ़िया नजारा है। ये वाह, ये मेरा घर का नाम है क्या। आप देख सकते हैं काफी ट्रेडिशनल वाला है। क्या बोल सकते हैं, एक ऐसा मिस टच दिया है इधर पे, ये बेड का है, बेड भी काफी बढ़िया है। नाउ चेकिंग बाथरूम, बट बाथरूम से पहले कैसा लग रहा है, ठीक है ना। ठीक है, ठंडे का टाइम है, गीजर वीजर लगा के रखे, एग्जॉस्ट भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओह या, हे व्हाट्स अप। बाहर चलते हैं और अपना भाई लोगों का भी कॉटेज देख लेते हैं कैसा है। सामने और भी है, कौन रह रहा है ये तो पता नहीं, बढ़िया है, आप देख सकते हैं, सो नाइस ब्यूटीफुल। ओके, फोटो खिंचवा रहे भाई लोग। सांड की आंख। बस थोड़ा सा आप लोग का रूम दिखा देते हैं। हमारा रूम तो नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों, क्या बोल रहे अपना भाई, ऐसा ऐसा थोड़ी हो सकता है यार, मतलब आप देख सकते हो। गॉर्जियस, क्या बढ़िया है, क्या विंटेज, मतलब प्योर असमिस कल्चर जो है ना, अच्छे से दिखा रहे ये लोग, मतलब आप देख सकते। हाँ आई गेस था, मेरा वहाँ पे था शायद एक गमछा। ओह या कंपल्सरी, यस मिरर, आई लव मिरर बिकॉज इट शोज यू द रियल ट्रूथ अबाउट योरसेल्फ। बढ़िया यार, अभी बाहर चलते हैं और मिलते हैं सीधा शाम को
क्योंकि शाम को शुरू होने वाला है आप उन लोग का पार्टी। हैंगिंग ब्रिज। हैंगिंग। ए गाइस, काफी ज्यादा हिल रहा है यार ब्रिज तो, मतलब क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है, देख सकते हैं। यो बढ़िया यार, ऑसम। आप देख सकते हैं काफी बढ़िया ब्रिज हिल रहा है, स्विंग हो रहा है, हैंगिंग ब्रिज मतलब टू गुड यार, आई एम लविंग हैंगिंग ब्रिज, यही सो जाओ। क्या ब्यूटीफुल सीनरी है यार, सीरियसली। हाउ इज इट यार, ठीक है ना सब लोग? कोई गिरा विरा तो नहीं? गुड मॉर्निंग गाइस, तो सुबह हो गया है और सूरज भी अपने पोजीशन में आ चुके हैं। मैं भी चलता हूँ अभी कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए, दिखाता हूँ क्या है फ्री मील वाला ब्रेकफास्ट। हे गाइस, तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं अपना ब्रेकफास्ट टेबल पे, प्लेट रेडी है, देख सकते हैं, आ रहे हैं ना। हाँ, इसको खा के देखते हैं और उसके बाद रिव्यू देंगे सीधा कॉटेज पे, क्योंकि और भी कुछ डिस्कशन होगा जो आपके साथ बढ़िया से आराम से बैठ के करेंगे, तो मिलते हैं वहीं। हे गाइस, तो फाइनली हो गया है हम लोगों का जो खाना वाना। रात को मैं नहीं दिखा पाया डिनर के बारे में, डिनर वॉज बहुत मतलब फाइन था, अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। चिकन था हम लोग का डिनर में, राइस एंड सब्जी दाल, कोई प्रॉब्लम नहीं था, ऑल एवरीथिंग वॉज परफेक्टली कुक्ड एंड वेरी डिलीशियस टेस्टी। और अभी ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा था, अनलिमिटेड है, आपको जितना मन है आप पूरी सब्जी लीजिए, खाइए बढ़िया से, अंडा भी है, बनाना भी है। और फिर अभी बात करते हैं कॉटेज के बारे में। कॉटेज मेरा कॉटेज जो है उसमें ग्रीजर था, तो ठंडे के टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट टीवी नहीं था। हालांकि ऐसा जगह में हम लोग टीवी और मोबाइल से काफ़ी दूरी रहना बेटर होता है, क्योंकि यहाँ हम लोग यू नो घूमने आते हैं, तो घूमने आने के टाइम अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना है, यहाँ आपको क्या बोलना है, आपको नेचर के साथ रहना है, तो उस टाइम में आप इंटरनेट को थोड़ा दूर रखना ही प्रिफर करता हूँ। आप लोग भी शायद वही करते होंगे और यहाँ वही कर सकते हैं आप लोग, मतलब मोबाइल को दूर छोड़िए और फिर एंजॉय कीजिए। तो टीवी का कोई ऐसा बात नहीं है कि टीवी चाहिए, बस सबका अपना अपना बात है। एंड बाकी कैंपिंग भी कर सकते हैं, मैं दिखा सकता हूँ, मेरा ठीक पीछे में आप देख पा रहे होंगे, ये साइड में कैंपिंग है, आपको ले चलता हूँ मैं इसको। रात को एक फैमिली भी था यहाँ पे, हाँ ये ठीक मेरा पीछे, इधर कैंप कर सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, इधर भी दो कैंप है और एक ऊपर में भी कैंप है, पर पता नहीं वो ठीक मेरा ये पीछे में आप देख सकते हैं, पता नहीं वहाँ पे अभी रहने अलाव है कि नहीं, मैं पूछूंगा उसके बारे में। बाकी कॉटेज आप देख सकते हैं, कॉटेज यहाँ सब है, मैं दिखाया था टूर तो एक किया था, अच्छे से नहीं दिखा पाया था, तो ये कंप्लीट सराउंडिंग है। कार पार्किंग वहाँ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बाइक गाड़ी जो लाते हैं अंदर ही पार्किंग कर सकते हैं। पेरिस टावर देखना है, कहाँ गया पेरिस टावर? हाँ। तो अभी थोड़ा देर बाद हम लोग ने जाना है सफारी में, बुक हो चुका है, एक जीप बुक कर लिया है, 4 सीटर के लिए बोल रहे हैं, पर हम लोग आदमी 5 है तो 5 ही करेंगे, बस थोड़ा चार्ज कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और कैमरे के लिए एक्स्ट्रा 200 रुपीस उसके लिए देना पड़ता है, और ऐसे नॉर्मल सफारी के लिए 1550 बोल रहे हैं, तो थोड़ा बार्गेनिंग करेंगे। इंडिया नहीं चलता है यहाँ बार्गेनिंग, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है बार्गेनिंग के लिए, बट द रिजॉर्ट इज़ ओवरऑल रियली गुड, बहुत अच्छा एटमोसफियर है यहाँ पे रहने के लिए, मतलब आई विल गिव इट 4, ठीक है, हाँ काफ़ी अच्छा है, उतना तक उतना दे सकते हैं।
और खाने के लिए 4 स्टार, खाने के लिए भी 4 स्टार दे सकते हैं, 5 तो नहीं दे सकता क्योंकि 5 के लिए कुछ अलग ही होना पड़ता है। तो बहुत स्टेइंग एंड फूडिंग के लिए 4 स्टार दे सकता हूँ मैं। बाकी आप लोग आइए यहाँ पे, देखिए कैसा लगता है वो। तो अभी मिलते हैं सीधा आपको सफारी में, हम शेयर करेंगे जंगल का, ये शेर जंगल का शेयर करेंगे। तो मिलते हैं डायरेक्ट सफारी पे। हे गाइस, तो अभी हम लोग जस्ट निकलने ही वाले थे कि अचानक देख सकते हैं मेरे पीछे जी हाँ, शूटिंग चल रहा है, कोई ओडिया सॉन्ग का शूटिंग चल रहा है। इंटरेस्टिंग है, लव सॉन्ग होगा। मैंने थीम पूछा है बट गाने का कोई ऐसा बोला नहीं वो लोग ने। बट ये रुको, आपको दिखाता हूँ मैं। इट्स ग्रेट, अच्छा लगता है ऐसा प्रेजेंट में ऐसा दिखाई देता है। तब तो मिलते हैं सफारी पे, अंटिल देन कीप वॉचिंग। यहाँ पे आपको एंट्री करना है, लगि जब कि लगा ना कह दिल बेहद नपाव दे मैं है ना। हे गाइस, आप देख सकते हैं एक मेरे पीछे राइनो जिसकी सवारी हम लोग करने आए थे, आखिर मिल ही गई। हम लोग को देख रहे हैं क्या गाइस, बहुत मजा आ रहा है इधर पे। आप देख सकते हैं पीछे में एक वाइल्ड बोर भी था, मैं दिखा नहीं पाया, भाग गया। अभी एक राइनो के पास जा रहे हैं थोड़ा नजदीक में। और इस सड़क पे आपको हर जगह ऑर्किड मिलेगा। अभी ऑर्किड फिलहाल नहीं है पर आप अप्रैल के टाइम में आएंगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ ऑर्किड ही ऑर्किड नजर आएगा। और ये आप देख सकते हैं काफी यूनिक ट्री है, ये ट्री का नाम है एजहार, यहाँ एजहार ट्री बोला जाता है इसको। और ये जो सड़क है, ये सड़क का नाम दिया गया है नो डोलिया पॉट, ये पेड़ के नाम पे ही इसको रखा गया है ऐसा। इसमें नो डोलिया का मतलब होता है 9 ब्रांचेस। और ये राइनो काफ़ी गुस्से में लग रहा है यार, मतलब ऐसा टाइम है ना, आप ज़्यादा आवाज़ नहीं करना चाहिए, चुपचाप फोटो खींचो और चल पाए। हाँ, वीडियो भी कर सकते हो, हम लोग वही कर रहे हैं। गाइस, ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये मैं दिखा रहा हूँ, इधर में पूरा राइनो दिखने को मिलेगा आपको। बट देख रहे हैं मेरा पीछे, यहाँ जिप्सी सफारी नहीं होगा तो आप लोगों को यहाँ पे जाने के लिए जी हाँ एलिफेंट सफारी यूज़ करना पड़ेगा। तो जिसको भी शौक है और राइनो देखने के लिए, आप एलिफेंट सफारी लीजिए, मैं वही प्रीफर करूँगा। गाइस, तो फाइनली हम लोग का टूर ख़त्म हो गया और थोड़ा शॉपिंग भी कर लिया, दोस्त लोग भी कुछ शॉपिंग कर लिया। आप शॉपिंग कर सकते हैं यहाँ पे, काफ़ी ऑफर SMS चीज़ आपको मिलेगा, बहुत अच्छा है। तो कल्चर को भी दर्शाता है लाइनों वगैरह भी आप देख सकते हैं। तो फिर अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे और सीधा मिलते हैं लंच।
Hey guys, अभी थोड़ा देर पहले मैं पहुंच चुका हूँ और यहाँ बैठ गया हूँ आप लोगों के साथ बात करने के लिए। फटाफट कुछ बातें बोल देता हूँ, स्पेशली अबाउट दी जर्नी। जर्नी टू गुड था, जितना सोचा उससे कहीं ज़्यादा अच्छा लगा। और स्पेशली ये ज़्यादा अच्छा इसलिए था क्योंकि ये बजट फ्रेंडली ट्रिप था। और जिस किसी को भी यहाँ विजिट करना है, स्पेशली राइनो देखने के लिए, जो प्राइड ऑफ आसाम है, वन हॉर्न राइनो इज प्राइड ऑफ आसाम, एवरीवन नोज दैट। और एक बात मेरे को बोलना था कि बहुत ताजुब हुआ मुझे, गाय भैंस राइनो साथ में घास खा रहे। आई मीन हम लोग पबीतरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जाने से पहले पेडी फील्ड में, आई एम स्ट्रेंज, लाइक ऐसे कैसे हो सकता है? क्या वो लोग आदमियों के साथ भी घूमते हैं क्या? हाँ, I'm really not kidding, सच में आप लोग विजिट कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि राइनो, एक दो राइनो सच में मैंने देखा है। मे बी ऐसे लाइक सॉफ्ट हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है? और वॉट अबाउट दी रिजॉर्ट, राइट? तो रिजॉर्ट भी बहुत अच्छा लगा हम लोग के साथ, ठीक था। आप लोग वहाँ भी रह सकते हैं, और भी ऑप्शंस है, ऐसा नहीं है कि वही सिर्फ एक ही रिजॉर्ट है, और भी कई सारे रिजॉर्ट हैं। आप लोग गूगल कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं नेट पे कौन सा आपको यू नो स्पेशली बजट फ्रेंडली हो सके, वैसा टाइप आप रिजॉर्ट बुक कर सकते हैं। और ट्रिप तो बहुत अच्छा ही था, मैं सब आप लोगों को बोल चुका हूँ। और भी मैं ऐसे नई वीडियो, आई मीन ब्लॉगिंग वीडियोस आप लोगों के लिए लाया करूँगा। होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, और भी नई वीडियोस लाऊंगा अच्छा अच्छा कंटेंट के साथ। बस आप लोग ऐसे ही बने रहिए और अपना भाई को सपोर्ट कीजिए। ओ, और एक बात बोलना भूल गया, अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ये है ट्रांसफॉर्मर लाइफस्टाइल। अंटिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।